अब चर्च के पादरी ने की यमुना को स्वच्छ रखने की अपील, राज्यपाल सक्सेना भी जुटे अभियान में। यमुना में धार्मिक कचरा फेंकने से रोकने का प्रयास भी शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना खुद इस अभियान में जुटे हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के धर्म गुरुओं से भी इसमें भागीदारी निभाने की अपील की जा रही है। उपराज्यपाल के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को जहाँ जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने संदेश जारी कर लोगों को कचरा यमुना में नहीं फेंकने की नसीहत दी, तो शनिवार को चर्च के पादरियों ने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया। चर्च के पादरी ने एक परिपत्र जारी कर सभी से कहा कि पूरी दिल्ली के चर्च उपराज्यपाल के प्रयासों का समर्थन करें, यमुना को फिर से जीवंत करने और कचरे के पहाड़ों को समतल करने में सहयोग करें। चर्च की अपील, यमुना में कचरा न फेंके, अपने घरों में सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखें, जहां तक संभव हो रिसाइकिल अभियान से जुड़ें, खुली नालियों और खुले मैनहोल में कूड़ा करकट न फेंके।